सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों के बैक हैमस्ट्रिंग करने में हैंड मुड़ जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं और कलाइयों में उनके दर्द होता है। तो आज की टॉपिक पर हम यही बात करेंगे कि सबसे पहली बात, आपको बैक हैमस्ट्रिंग आना चाहिए। अगर आप लोग एक बैक हैमस्ट्रिंग सीख चुके हो तो आपको बता दूँ, अक्सर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, आपकी कलाइयाँ दर्द करती होंगी और आपके हैंड मुड़ जाते होंगे, कभी इस प्रकार कभी इस प्रकार। तो आज की इस वीडियो में हम यही सोल्यूशन बताएंगे। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, आपको कलाइयों की एक्सरसाइज। इस तरीके से आपको दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार आपको कलाई की एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार जितनी ज़्यादा आपकी कलाई दोस्तों फ्री रहेगी, उतनी आपको दर्द भी नहीं होगा और आप अच्छे से बैक हैमस्ट्रिंग करने लगोगे। तो सबसे पहले आप जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपल आपको ज़मीन पर रखना है हैंड को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार आपको ज़मीन पर रखना है, इस तरीके से। इससे दोस्तों आपका दर्द भी कम होगा और आपको इससे पता लगेगा कि हम बैक हैमस्ट्रिंग करते हैं तो हमारी लैंडिंग एंड बॉडी वेट किस प्रकार होता है। तो हम जब बैक हैमस्ट्रिंग करते हैं तो पूरा आप ध्यान करिए कि पूरा एक हैंड स्टैंड होता है, उसके बाद आपकी बॉडी का पूरा वेट आपके हैंड पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आप इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक्सरसाइज नंबर टू, अब आपको स्टैंडिंग में आर्च बनाना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में यहाँ से आर्च बन रहे हो, तो इस तरीके से हैंड को टाइट रखते हुए हैंड को जाना है और आपको इस प्रकार आर्च बनना है ताकि आप अच्छे से रहे। तब आप जो जब बैक हैमस्ट्रिंग करोगे तो आपको उससे हैंड का मूवमेंट और आपके जो हैंड मुड़ जाते हैं उससे आपका रोटेशन पता लगेगा। इसलिए आप स्टैंडिंग में आर्च करिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार रहना, उसके बाद आपको हैंड को टाइट रखते हुए आपको कमर यहाँ से तोड़नी है, कमर लचाते हुए जाना, उसके बाद आपको धीरे धीरे करना है। आप स्टार्टिंग में इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको आर्च नहीं आता तो मैं ऑलरेडी इस पर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद आपको अब धीरे धीरे करके आपको आर्च बनना है। आप या आप ऐसी जगह पर करिए, ऊंची जगह पर जहाँ पर आपको आर्च बनने में कोई भी कठिनाई ना हो। इस प्रकार दोस्तों, आप एक दो बार गिरोगे एंड आपका गिर भी जाओगे और आपका बॉडी बैलेंस नहीं बनेगा, तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डायरेक्टली बिना डर के आपको आर्च बनना है कुछ इस प्रकार। तो गाइस, तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ऊंची जगह पर जाना है और ऊंची जगह से आपको बैक हैमस्ट्रिंग करने की ट्राई करना है। आपकी दो एक बार लैंडिंग बिगड़ी एंड आपके हैंड भी मुड़ेंगे, तो आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हो, जब आप लोग पहली बार करोगे तो आपको हैंड कुछ इस प्रकार मुड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा इस वीडियो में, इसी प्रकार आपके हैंड मुड़ेंगे और इसी प्रकार आप ग्रोवे, हो सकता है आपका कभी कभी सिर भी लग जाए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, आपको गिव अप नहीं करना है और आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। तो चलो, फिलहाल मैं आपको एक दो बार और दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, इसी तरीके से आपको उसकी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी और आप इसी प्रकार गिरोगे और आपकी लैंडिंग भी बिगड़ेगी, तो आपको उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो फाइनली इतना कंप्लीट करने के बाद उसको आपको, उसके बाद आप धीरे धीरे जब फुल प्रैक्टिस करने लगोगे, उसके बाद आपकी बैक हैमस्ट्रिंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रह सके। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको
नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।